हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज हम इस मोरपंखी थूजा प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने गार्डन में दो थूजा के प्लांट लगाए हुए हैं, मोरपंखी के प्लांट लगाए हुए हैं। मैंने पहले एक और प्लांट लगाया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैंने उसे अपने नीचे के गार्डन में ग्राउंड में उसे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए अब ज़मीन की ज़रूरत थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मोरपंखी थूजा के प्लांट है। ये दो साल पुराना मोरपंखी के थूजा के प्लांट है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। मैंने इसे कम से कम 16-16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, ये देखिए। और इनकी हाइट और ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है दो साल के हिसाब से, ये देखिए। बेसिकली मोरपंखी थूजा का जो प्लांट होता है वो दो वेराइटी के होते हैं फ्रेंड्स। एक है जो हल्का गोल्डन टाइप में आते हैं और एक एकदम ग्रीन रहते हैं। जो अच्छी अपने गार्डन में पॉट में लगाने के लिए जो अच्छी वेराइटी होती है वो गोल्डन मोरपंखी के प्लांट होते हैं। जैसे कि ये है, ये देखिए मेरा ये वाला, ये एकदम सेफ में रहते हैं और ये ज़्यादा ग्रीन रहते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और एक वेराइटी होती है फ्रेंड्स, जिसमें वो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने उसे गार्डन में शिफ्ट कर दिया है नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पर। उसमें वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो पॉट में जब आप लगाते हैं उसमें जल्दी ही बीज आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं और बीज बनने लगते हैं। वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है पॉट में लगाने के लिए। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो वो वाला आप प्लांट अगर नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो वो वाला प्लांट आप सेलेक्ट ना करें, क्योंकि होता क्या है कि उसमें ग्रीनरी भी कम रहती है और जल्दी से ही उसमें बीज बनने लगते हैं जो देखने में उतने अच्छे तो नहीं लगते हैं। और पॉट में लगाने के लिए ये वाला जो मोरपंखी का थूजा का प्लांट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और कैसा पानी दें इस प्लांट को, और कैसे एनवायरनमेंट में रखें ताकि ये मेरे प्लांट की तरह, जैसे मेरा प्लांट एकदम ग्रीन है, इसी प्रकार से आपका प्लांट भी एकदम ग्रीन रहे, अच्छा रहे और हेल्दी रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स है कि आप इसे ऐसी मिट्टी में लगाएं जो बिल्ड्रन सॉइल हो, अच्छे से पानी को ड्रेन आउट कर दें, काफ़ी अच्छी से बिल्ड्रन हो। और दूसरी कि आप इसे छोटे से गमले में, छोटे से पॉट में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप इसके लिए जो भी गमला या पॉट सेलेक्ट करें उसका साइज थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, छोटे से गमले में बिल्कुल भी ना लगाएं। तो आपको दूसरी बात ये करनी है। और तीसरी बात कि आप इसमें जो फर्टिलाइज़र दें, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आप जो फर्टिलाइज़र आप घर पर बनाते हैं वही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डीएपी डालती हूँ फ्रेंड्स, जो इसकी जड़ों के लिए, इसकी रूट के लिए और इसकी लीव्स को, इसकी रूट को बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। और इसकी ये जो लीव्स हैं ये काफ़ी ग्रीन रहती हैं, क्योंकि डीएपी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रीन रहता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। आप इसमें पोटास भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, पोटास भी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपके मोरपंखी का थूजा का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रीन नहीं है और हेल्दी नहीं है, तो आप इसमें जो है डीएपी डाल सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।